किसान नहीं हो। आज किसान ने साहब खाद बीज लाया और कैसे फसल उसने बोई है, अगर वो मर जाएगा तो क्या हालत होगी साहब। तो हमारा आपसे निवेदन है, कौन कौन भाई तुम्हें निवेदन करो, पूरी प्रशासन से हम निवेदन करना चाहते हैं और तहसीलदार महोदय से निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे गांव रियावल जो जावरा तहसील के अंतर्गत आता है और ये फसल जो खड़ी हुई है इससे मान लो तहसीलदार महोदय पूरी प्रशासन महोदय सुधारे हैं और ये फसल नष्ट हो रही है, हम उसका स्वागत करते हैं। पर श्रीमान से निवेदन है कि कम से कम इनको एक महीने का समय दे दिया जाए और इसकी कृपा कर दो, एक बार भगवान का रूप धारण करके आप कृपा कर दो, क्या एक महीने में आपको फसल के बाद क्या साहब बड़ी मुश्किल से खाद बीज ला के बोया इन लोगों ने, बड़ी कृपा कर दो साहब। मतलब हमारी सरकार भी किसानों के लिए कितना कर रही है, तो आप भी सरकार के प्रतिनिधि के रूप में थोड़ी कृपा करके और कम से कम इनको किसानों को माफ कर दो तो आपकी बड़ी कृपा। अगर आप लिखवाना चाहते हैं श्रीमान तो इनको किसानों से लिखवा के दे दे कि भाई इतने फसल काटने के बाद आपको हम जो खेत खाली कर देंगे। एक वीडियो बनाओ लो सम्मानित साथियों, गांव रियावल तहसील जावरा जिला रतलाम मध्य प्रदेश के अंदर किसानों की खड़ी फसल प्रशासनिक अधिकारी महोदय के सानिध्य में जो है ये चल रही है। हम विनम्र निवेदन करते हैं पुलिस प्रशासन महोदय से, तहसीलदार महोदय से कि कम से कम आप एक बार कृपया करके एक महीने का समय दे दिया जाए तो इन लोगों की फसलें नष्ट हो जाएंगी। लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से बता जाना चाहता हूँ कि आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, शिवराज सिंह जी चौहान और हमारे कृषि मंत्री, सारे मंत्री लोग ये चाह रहे हैं कि किसानों का भला हो, किसानों का भला हो। और किसान कर्ज में अगर डूबा है तो उस किसान का कर्ज में डूबा हो तो प्रशासन उसको निकालती है, लेकिन आज जो स्थिति इस मध्य प्रदेश के अंदर ये हो रही है कि किसानों की फसल खड़े रूप से जो है प्रशासनिक अधिकारी महोदय के सानिध्य में चलकर इसको नष्ट किया जा रहा है। हम विनम्र निवेदन करते हैं, हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, अगर ये वीडियो माननीय मुख्यमंत्री जी, शिवराज सिंह जी चौहान, नरेंद्र जी मोदी साहब या कृषि मंत्री जी या मध्य प्रदेश शासन के हमारे जिलाधीश महोदय रतलाम, कमिश्नर महोदय और मध्य प्रदेश शासन के समस्त अधिकारी यदि ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं इनसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि हमारे तहसीलदार महोदय जो पिपलदा तहसील के तहसीलदार साहब हैं उन्हें आदेशित करें, हमारा निवेदन स्वीकार करें कि अभी हमें मौका दिया जाए तो वरना श्रीमान पूरे इन किसानों को आत्महत्या करने के सिवा कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि आज हमारी मध्य प्रदेश की सरकार किसानों के ऊपर कृपा कर रही है, किसानों के ऊपर दया कर रही है, लेकिन आज इस अन्नदाता जो हमारा गांव का किसान है वो अन्न पैदा करता है, हमारे हिंदुस्तान की जनता खाती है, हमारे हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा खाता है, आज उसकी जो फसल है उसको नष्ट की जा रही है। फसल का भी वीडियो बनाओ। ये डाल दिया, ये व्हाट्सएप पर डाल दो, फेसबुक पर डाल दो, बनाओ इसको, बनाओ डाल दो।